सबसे पहले कान पकड़ के सॉरी, मैं कुछ दिनों से कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा क्योंकि यार घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ी होती चली आ रही है। जब वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी मैं कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी टाइम मिल चुका है थोड़े से वीडियो बनाने का, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और आजकल तो यार बहुत ज्यादा घमासान युद्ध हो चुका है मार्केट में, क्योंकि अभी वीवो ने अपना एक फोन लॉन्च कर दिया, वीवो का Z1 Pro, वो भी केवल 15,000 रुपए में, और मार्केट में पहले से छाए हुए हैं रेडमी और साथ में रियलमी। और ये दोनों कंपनी इसलिए छाए हैं क्योंकि यार 14,000 रुपए में जो चीजें ये दे रहे हैं वो बड़ी अच्छी है। आपको रेडमी के नोट 7 प्रो में 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, आपको रियलमी 3 प्रो में बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर है वो भी बड़े कमाल का है, और साथ में इस फोन का जो कैमरा है वो भी लाजवाब है। लेकिन वीवो के Z1 Pro में आपको कुछ चीजें ऐसी मिल रही है जो फोन को बिल्कुल ही अलग बना देती है। और यार इन तीनों फोन में सबसे बड़ी बात यह है, ये दोनों फोन आते हैं 14,000 रुपए के और Vivo का Z1 Pro आता है 15,000 रुपए का, केवल 1,000 का अंतर है। अब मैं आपको ये बता दूं 1,000 रुपए आपको लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। Vivo के फोन में आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, वो भी 16+8+2 मेगापिक्सल का, और साथ में जो इस फोन का कैमरा है वो बहुत ज्यादा लाजवाब है, आपकी जो फोटो आएगी वो बिल्कुल लल्लन टॉप आएगी। और यदि आपको दिन रात सेल्फी लेनी है तो यार यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है जो आपको ना तो Redmi के Note 7 Pro में मिलता है ना तो Realme 3 Pro में मिलता है, और Vivo के Z1 Pro में आपको ट्रिपल कैमरा भी मिलता है, सेल्फी कैमरा भी बड़े कमाल का मिलता है। यदि आपको अच्छे कैमरे वाला फोन चाहिए 14-15,000 रुपए के आसपास, तो मेरे हिसाब से Vivo का Z1 Pro बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब कैमरे के हिसाब से बहुत अच्छा फोन है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की, आपको Redmi के Note 7 Pro में अच्छी खासी बैटरी मिल जाती है, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बट यहां पर आपको फास्ट चार्जर अलग से लेना पड़ता है। आपको Realme 3 Pro में भी बड़ी बैटरी मिल जाती है और साथ में बूक चार्जर मिल जाता है, लेकिन इन दोनों फोन से बड़ी बैटरी जो आपको मिलती है वो मिलती है Vivo के Z1 Pro में, वो भी 5000 mAh की, और साथ में आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है, आपका फोन फटाफट चार्ज हो जाएगा। ये भी इस फोन का प्लस पॉइंट है क्योंकि यहां पर आपको बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, कैमरा भी बहुत अच्छा, बैटरी भी बहुत ज्यादा बड़ी है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर की, आपको Redmi के Note 7 Pro में मिलता है Snapdragon का 675 और ये है 11 नैनोमीटर का प्रोसेसर, आपको Realme 3 Pro में मिलता है Snapdragon का 710, ये है 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर, और इन दोनों फोन की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल मक्खन है, बिल्कुल मलाई जैसी है। लेकिन Vivo के Z1 Pro में आपको जो परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है Snapdragon का 712 और ये भी बड़े कमाल का प्रोसेसर है। और मैं इतना कह सकता हूं Vivo के Z1 Pro में जो परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर मिलता है वो भी किसी से कम नहीं है, चाहे इसे आप कंपेयर कर ले Redmi के Note 7 Pro से, चाहे तो Realme 3 Pro से। सॉफ्टवेयर तो भाई तीनों ही फोन का अच्छा है, आपको यदि चाहिए MI UI तो आपके लिए Redmi का Note 7 Pro बहुत अच्छा ऑप्शन है, यदि आप लेना चाहते कलर OS तो आपके लिए Realme 3 Pro बहुत अच्छा ऑप्शन है, और यदि आपको चाहिए फन टच OS तो यार आपको लेना चाहिए Vivo का Z1 Pro, यहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें कस्टमाइज तरीके से मिल जाती है और बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। और मेरे हिसाब से Vivo ने बहुत अच्छा काम कर दिया 2019 में, और अब मुझे ऐसा लग रहा है यार Vivo जैसी कंपनी यदि इतने सही प्राइस में इतना अच्छा फोन निकालेंगी ना, तो आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी कंपनी है जो कुछ अच्छे फोन निकाल सकती है, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे तो ओप्पो हो। Vivo के Z1 Pro में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये चीज आपको नहीं मिलती है Redmi के Note 7 Pro में, और साथ में यार यहां पर आपको फेस अनलॉक मिल जाता है, अच्छी सी आपको डिस्प्ले मिल जाती है 6.5 इंच की, और यार आगे की तरफ आपको एक होल मिलता है जहां पर आपको फ्रंट फेस वाला कैमरा मिल जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि यार आपको 14,000 रुपए लगाने चाहिए या आपको जाना चाहिए 15,000 रुपए में। मेरे हिसाब से 15,000 रुपए लगाकर आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, परफॉर्मेंस के लिए जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो भी काफी कमाल का मिलता है, इसके साथ साथ आपको बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, सॉफ्टवेयर भी काफी कमाल का है। तो यार मार्केट में इतना ज्यादा घमासान युद्ध हो गया है, और सबसे बड़ा जो झटका मिला है वो मिला है Realme को और Xiaomi को, क्योंकि इनके बहुत सारे डिवाइस है लाइन से जो लगे हुए हैं, चाहे वो Realme X हो, Redmi का K20 हो, चाहे K20 Pro हो। अब मेरे हिसाब से इन सारे फोन का जो प्राइस आएगा वो काफी कम आने वाला है, क्योंकि जब इतना अच्छा काम कर दिया है Vivo ने तो भैया Xiaomi को सोचना पड़ेगा कि यार अब क्या करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए आपके हिसाब से Vivo का Z1 Pro क्या सही प्राइस में आया है, और Xiaomi और Realme को अब क्या कुछ करना चाहिए। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वो सारे के सारे पूछ लीजिएगा। और यदि आपको ऐसी वीडियो देखने हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जस्ट बगल
में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। और आज मैं आपको ये बता दूं, मेरे रूम की जो एसी है वो बिल्कुल खराब चल रही है, तो भैया पसीना चूरा है, लेकिन आपके लिए तो वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।